यार एक्चुअली ये वीडियो टर्मिनेट हो गई। कभी कभी ना ये काफी ज्यादा मतलब दिक्कत कर देता है, टर्मिनेट कर देता है इस तरीके से, तो इसकी वजह से दिक्कतें आ जाती है कई बार। तो ये बीच में वीडियो टर्मिनेट हुई यहाँ पर, तो इसको यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा जो आर्टिकल मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लेना यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का जो फिशरमैन का जो इशू था मैंने डिटेल में डिस्कस किया इससे पहले वाले आर्टिकल में, और भी कई सारे मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए। एक किताब के बारे में डिस्कस किया था, पुलिस रिफॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहां से ही स्टार्ट करूंगा इस लेक्चर को। ठीक है, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट हो गया ये इसका, इस आर्टिकल को हम लोग लेकर चल रहे थे आगे, जो कि ये था केरला का मुद्दा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो केरला के अंदर क्या किया गया, अभी यहां पर 80% जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, तो बोला यह गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को देते हुए कि यहां पर यह जरूरी है क्योंकि काफी पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि एक टीचर है क्लास में, उसकी अगर आप लोगों को 3 बच्चे देखने को मिलते हैं, एक बच्चा काफी होशियार है, दूसरा बच्चा उससे कमजोर है, तीसरा बच्चा उससे कमजोर है, तो अगर एक बच्चा जो है उनको सबको, अगर टीचर जो है सबको इक्वल पढ़ाता है, ठीक है, तो यहां पर यह सही नहीं है। बोला जाता है कि एक क्लास तो सबके लिए इक्वल ले, 1 घंटा एक्स्ट्रा दूसरे बच्चे को दे और 2 घंटा एक्स्ट्रा तीसरे बच्चे को दे, ताकि उसको इक्वलिटी पर लेकर आया जा सके। तो ये जो मुद्दा है यहां पर, ये इसी मुद्दे को इंप्लीमेंट किया गया केरला के अंदर। केरला के अंदर ये बोला गया कि अभी रिसेंटली जो रिजर्वेशन दिया गया है बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट को, वो काफी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो केस है केरला हाईकोर्ट में पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि सारी माइनॉरिटी जो भी हमारे देश के अंदर में है, तो उनको सबको यहां पर इक्वल बेसिकली स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इक्वल बेसिकली यहां पर चीजें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्कॉलरशिप आप लोगों को देगो। तो यहां पर ये जो केस था ये 29 अक्टूबर को जब यहां पर केरला हाईकोर्ट का जो केरला की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो उसने बोला हाईकोर्ट बोल रहा है कि ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, सारी माइनॉरिटी को इक्वल ट्रीटमेंट दो। तो यहां पर केरला हाईकोर्ट जो केरला गवर्नमेंट है जब वो केरला हाईकोर्ट में पहुंची, फिर से सुनिए, जब केरला हाईकोर्ट ने बोला कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट आप लोग दो, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई केरला की गवर्नमेंट। उसने बोला कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको आप लोग नल एंड वॉइड करार दे दो, यानी कि उसके डिसीजन को हटा दो। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी काफी पिछड़ी हुई है, उसको सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, ये बोला गया केरला की गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी यहां पर इसी के ऊपर ये आर्टिकल है जिसको मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो केरला से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है, तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। अभी मुद्दा यहां पर यह, केरला गवर्नमेंट का कहना यह है कि सच्चर कमिटी जो है और इसी के साथ में केरला के अंदर बेसिकली पादना जो रिपोर्ट है उनके द्वारा आप लोग मानकर चले, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा पिछड़ी हुई कम्युनिटी है यहां पर। तो यहां पर इसके जो लोग हैं ना, तो एजुकेशन में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना ही गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी अगर बात करें, सच्चर कमेटी कब आई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। मुस्लिम जो है यहां पर वो क्रिश्चियन दलित आदिवासी से भी काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इवन कॉलेज में एनरोलमेंट के मामले में, यानी कि यहां पर एडमिशन भी नहीं हो पाता है। तो इसके चलते डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर। तो मुस्लिम जो है उनका एक्सपीरियंस जो है एक तरीके से काफी डिस्क्रिमिनेटरी लेवल का आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि उनको जॉब, हाउसिंग या फिर दूसरी जो चीजें वो दलित कम्युनिटी से भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एम क्या है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, और जो कि एक इनइक्वलिटी देखने को मिलती है सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी में, उस इनइक्वलिटी को खत्म किया जा सके। अगर गोल ये होता है किसी भी पर्टिकुलर रिजर्वेशन का या किसी भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का कि इनइक्वलिटी को खत्म करना है, यानी कि जो भेदभाव चल रहा है एक अमीर है एक गरीब है उसको खत्म करना है, तो केरला की गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, अगर इस पैटर्न को आप लोग मानते हैं। अगर इस चीज को आप लोग नहीं मानते हैं तो केरला की गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं है। अब आप लोग बताइए, अगर यहां पर जो टीचर वो है अगर 1 घंटा अलग देगा एक स्टूडेंट को जो कमजोर है, दूसरे को थोड़ा सा और अलग देगा, तो क्या वो मुद्दा गलत है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि सबको इक्वली आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करानी है, चाहे वो कम्युनिटी कैसे भी क्यों ना हो। तो राइटर ये बोल रहे हैं हाई कोर्ट तो भाई साहब अंधा हो गया है, तो हाई कोर्ट को तो दिख नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो ये गलत है कि इस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं। बेसिकली संविधान भी क्या बोलते हैं, संविधान भी ये बोलते हैं अगर विजन और इक्वलिटी के बारे में आप लोग बात करें तो संविधान भी आप लोगों को एक पैटर्न में आप लोगों को चीजें करता हुआ नजर आएगा, और वही चीजें हैं जिसमें संविधान भी यहां पर सबको सोशल इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो रिजर्वेशन के बारे में संविधान खुद बोलता है, ठीक है, कि हाँ इस टाइम पर आप लोग इस तरीके से लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जब संविधान इस चीज को इस तरीके से सपोर्ट करता है तो फिर आप लोग इस चीज को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। इवन यहां पर बात करें तो बीके जो यहां पर बीके पवित्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो उसके बारे में अगर बात करें तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है नॉर्मली अगर बोले, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में बातें की है कि प्रिंसिपल जो रिकॉग्नाइज करे इनइक्वलिटी को सोसाइटी के अंदर और उसको कम करने का काम करे, तो एक तरीके से ये प्रिंसिपल आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, और यहां पर यही काफी बड़ा मुद्दा भी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, इसी मुद्दे के ऊपर आप लोगों को काम भी करना चाहिए। तो 2 केस के नाम आप लोगों के सामने हो गए, एक तो यहां पर ये जस्टिन पालुवाथिकुल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसके तहत यहां पर केरला हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है
कि सारी माइनॉरिटी को इक्वल स्टेटस बेसिकली आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और दूसरा यहां पर केस इंपोर्टेंट हो गया, ये है बेसिकली बीके पावित्रा जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये इंपोर्टेंट केस जो होते हैं जो आप लोग अगर यूज करते हैं लिखने के लिए तो एक अच्छा आंसर आप लोगों का माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी क्या करना चाहिए, केरला हाई कोर्ट की जो एरर है, जो गलती है, उसको सही करना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी इसी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई है तो आप लोग उसको अगर इक्वल लेवल पर लेकर ही नहीं आओगे तो फिर कैसे इक्वलिटी देखने को मिलेगी। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर आप लोग बताइए कि यहां पर अभी केरला की गवर्नमेंट ने सही किया या फिर गलत किया। अगर इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। देखता हूं कौन कौन क्या क्या बातें बोलते हैं। बेसिकली बोलता क्या है, मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग इस मुद्दे को किस तरीके से सोचते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये बात कर रहा है इम्यूनाइजेशन के बारे में, इम्यूनिटी को डेवलप करना। आप लोगों का जो शरीर है उसके अंदर एक इम्यूनिटी होती है, वो क्या करती है, वो बेसिकली जो आप लोगों के अंदर कोई बीमारी आती है बॉडी में उसके साथ में लड़ाई करती है, फाइट करती है। और वो जब तक फाइट करती है जब तक कि उसके घुटने नहीं टूट जाते, वो दवाई जब तक बेसिकली आप लोगों की बॉडी के ऊपर वो बीमारी हावी नहीं हो जाती तब तक वो दवाई का काम करती है आप लोगों की इम्यूनिटी पर। लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी घुटने टेक देती है फिर काम आता है यहां पर दवाई का, फिर मेडिसिन बोलती है कि अब मैं आऊंगी, अब मैं ठीक करूंगी, ठीक है। तो मेडिसिन फिर अपना रोल प्ले करती है और वो इम्यूनिटी होती है उसको खड़ा करती है कि चल मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, देखते हैं कौन है ये बीमारी, हम इस बीमारी को मारकर भगाएंगे। अगर दवाई और जो इम्यूनिटी है वो मिलकर काम करते हैं तो बीमारी जो होती है वो मैक्सिमम टाइम हार जाती है। पर लेकिन अगर दवाई को भी हरा लिया बीमारी ने तो फिर वो इंसान को ही हरा देती है, इनके इंसान की जान तक लेकर चली जाती है। पर लेकिन दो ही चीजें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर बात की जा रही है इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वो बीमारी लगने से पहले की बात होती है, यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है तो सबको इम्यून किया जा रहा है। इम्यून का मतलब उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जा रहा है डोज देकर। तो ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो वैक्सीन होती है वो हमेशा प्रिवेंशन का काम करती है और जो मेडिसिन होती है वो हमेशा क्योर का काम करती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हो गया यहां पर, तो ये बात याद रखिएगा। तो मेडिसिन हमेशा बीमारी होने के बाद में आप लोग यूज करते हैं जबकि वैक्सीन पहले ही लगवा ली जाती है जब बीमार नहीं होते हैं। तो ये मुद्दा जो है यहां पर इसी के बारे में बात करें कि पहले से ही लोगों को इम्यूनाइज कर दो। अभी हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगाई जा रही है तो बोला ये जा रहा है कि पॉपुलेशन को आप लोगों को इस तरीके से लेकर चलें ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो एडल्ट पॉपुलेशन को जरूर इसके अंदर कवर कीजिए। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है हमारी कंट्री के अंदर जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके बारे में याद रखेगा, इसको स्टार्टिंग में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया बोलते थे जो कि 1978 में स्टार्ट किया गया था। आगे इसको एक्सपेंड किया गया प्रोग्राम को इम्यूनाइजेशन के लिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। 1985 में प्रोग्राम को रीमॉडिफाइड करके नाम चेंज कर दिया गया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया को चेंज कर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। तो इसके तहत यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इम्यूनिटी को कवर किया जाता है। बेसिकली कैसे कोई भी एक तरीके से बीमारी है कैसे क्वालिटी सर्विस को इंप्रूव करना है, कैसे एक कोल्ड स्टोरेज चैन एस्टेब्लिश करनी है ताकि हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, कोई भी दवाई जो है, क्योंकि अभी कोरोना की दवाई भी जो लोगों को दी जा रही है ना उसको काफी कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो एक छोटा सा फ्रीजर लेकर घूमते हैं, देखा होगा ना पोलियो की दो बूंद जिंदगी की आप लोगों ने पी होगी, पी है कभी किसी ने, मुझे तो याद है नहीं मैंने पी है कि नहीं पी है। पर आज क्या आप लोगों को पता है दो ड्रॉप्स जो जिंदगी के आप लोगों ने पिए हैं उन ड्रॉप्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक मुद्दा यह है कि उसको भी एक छोटे से बॉक्स में रखा जाता है जो कि एक फ्रीजर का काम करता है, ठीक है। तो वही चीज है, तो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि मॉनिटर किया जा सके। तो अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया, ठीक है, कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था काफी इंपॉर्टेंट, एक डीएम के द्वारा कैसे कई सारे बच्चों को बेसिकली कुपोषण का शिकार होने से बचाया। तो इस तरीके से अगर कल को आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनते हैं तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सोचने समझने वाले ये मुद्दे होते हैं, जैसे कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट बन गए, डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन गए और वहां पर कुछ ऐसा मुद्दा हो रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया में कि इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम ठीक से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या आप लोग किस तरीके से क्या क्या स्टेप उठाओगे। तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो ये चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंदर हमारे देश में क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूआईपी, प्रिवेंट मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी दोनों को यहां पर प्रिवेंट करने का काम करती है। तो मोर्टेलिटी तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो मृत्यु दर होती है उसको कम करती है, और मोर्बिडिटी होती है रोगों की संख्या को कम करती है, तो यानी कि दोनों ही काम करेगी यहां पर। तो टोटल मिलाकर 12 जो प्रिवेंटेबल जो डिजीज है उनके लिए आज के डेट में हम लोग इसको प्रोवाइड करा पा रहे हैं।
और यहाँ पर हर साल लगभग 1% इंक्रीज इसमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर 10 बीमारी थी, जैसे डिप्थेरिया हो गया, ठीक है, पेरिटिस हो गया, यहाँ पर टेटेनस हो गया, पोलियो, मिजल्स, रूबेला, इसी के साथ में जो बेसिकली जो चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस हो गया, रोटावायरस डायरा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, जो काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया। आगे चलकर दो और ऐड कर दी गई, एक को बोला गया यहाँ पर बेसिकली न्यूमोकोकल निमोनिया, जो रिसेंटली अभी ऐड किया गया, इसकी जो दवाई यहाँ पर लाई गई है, और जापानीज एनसेफेलाइटिस, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर कवरेज भी दिया गया है मिशन इंद्रधनुष के नाम से। तो ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2015 से और इंक्रीज कर रहा है लोगों की इम्यूनिटी, और लगभग 90% यहाँ पर चीजों को कवर कर चुका है। अभी इसमें जच्चा और बच्चा दोनों को कवर कर लिया गया, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन और जो बच्चा है दोनों को कवर कर लिया गया। COVID-19 के चलते इसको और ज्यादा फोकस दिया गया। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो यहाँ पर आर्टिकल में छोटी सी जिक्र किया गया, देखिए आज की डेट में एक बीमारी थी जो काफी खतरनाक थी, जिसको आगे चलकर निपटा भी दिया गया, ठीक है। उस बीमारी के बारे में याद रखिएगा, आप लोगों को वैसे तो कई सारी बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुनोगे, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है, जापानीज जो यहाँ पर इंसेफेलाइटिस के बारे में आप लोगों से बात की, और भी कई सारी बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, पर एक बीमारी थी जिसको बोलते थे स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो है यहाँ पर, ये कई सारी ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिनको हम लोग कई बार यहाँ पर एक तरीके से काम कर उनको हटा चुके हैं, पर लेकिन उनके लिए रेगुलर काम करना पड़ता है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, जिसको NTAGI बोला गया, तो इसके द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं। पहला क्या बोला गया इसके द्वारा कि एक्सपेंड करने की जरूरत है वैक्सीनेशन हम लोगों को एडल्ट के लिए भी, यानी कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप लोग चीजों को प्रोवाइड कराओ, और 18 साल से ऊपर के लिए प्रोवाइड कराए, सबको कवरेज करो। वैक्सीन जो है वो खासकर प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए, सर्विलेंस आप लोग करना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए डिजीज का, कहां कहां पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, कहां कहां पर बीमारी हो रही है, कहां पर लोगों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो सारा चेक करना चाहिए। इसी के साथ में आप लोग यहां पर कैपेसिटी ऑफ रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इसके ऊपर काम करना चाहिए, ज्यादा ब्रॉड सेंस में डेवलप करना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए रोड मैप, ताकि आगे लेकर कैसे चलना है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आप लोगों ने इनिशिएट किया था, ठीक है, और हर लेवल पर आप लोगों को इसको ऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है, सॉर्ट ऑफ जो लाइफ सेविंग जो जैसे रेबीज वैक्सीन हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो वनरेबल है उनको जो वैक्सीन है उनको आप लोग सप्लाई कीजिए, तो प्रॉपर वे में प्रोग्राम को लेकर चले, तो सबको कवर करके आप लोग चलोगे तभी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात बोली गई, तो प्लान जो है वो यही है कि बेनिफिट सब तक पहुंच सके, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्लस है वो इंडिया के अंदर खासकर इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ड्राफ्टिंग और डेवलपिंग जो नेशनल जो एक तरीके से एडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी आप लोगों को लेकर आनी चाहिए, जिससे एक पर्टिकुलर जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको हम लोग ढंग से चीजें प्रोवाइड करा सके। तो ये है इनका मानना है यहाँ पर, ये बेसिकली बातें यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं तो आप लोग बताइए, इनका बेसिक यही है मुद्दा कि कैसे इसको इस तरीके से लेकर चलना आगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। अब आगे चलता हूं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर ये आप बेसिकली न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा अभी यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है फॉरन से क्या फंड आ रहा है जो एनजीओ है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्ट है हमारे देश में जिसको बोलते हैं FCRA, तो फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है हमारे देश में कब लाया गया था, तो 1976 में लाया गया था, फिर 2010 में इसको अमेंड किया गया। तो यहाँ पर ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है ऑल एसोसिएशन ग्रुप और एनजीओ जो बाहर से फंड लेती हैं और जो किसी न किसी मुद्दे के लिए काम करती हैं। तो इसके चलते ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो था वो 5 साल के लिए वैलिड रहता था और फिर इसको यहाँ पर आप लोगों को रिन्यू करना होता था ओल्ड फॉर्म में। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि ये क्या काम करते हैं, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, इकोनॉमिक और कल्चर प्रोग्रेस के लिए बेसिकली काम करते हैं। ये बेसिकली फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न ऑन लाइन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि कंपलसरी है। इससे पता रहता है कि कितना कितना पैसा कहां से आ रहा है। तो हमारी कंट्री में जो MHA है उसके द्वारा नोटिफाई की गई न्यू रूल और उनके द्वारा बोला गया, अगर कोई हमारी सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी, संप्रभुता और अखंडता को हद एक तरीके से दिक्कत पहुंचाता है, हमारे रिलेशन किसी फ्रेंडली देश के साथ में जो हमारे अच्छे रिलेशन है, जैसे कि हमारे मान लीजिए आज के में जो चाइना के साथ में मान लीजिए बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है, पाकिस्तान की यहाँ पर कोई NGO है वो हमारी कंट्री में फंड प्रोवाइड करा रही है ताकि हमारे चाइना के साथ में रिलेशन बिगड़ जाए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली कि हमारी कंट्री के रिलेशन खराब करें तो उसकी NGO पर हम लोग बैन लगा सकते हैं। इसी के साथ में कम्युनल हार्मनी यानी कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको कोई बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर भी हम लोग बैन लगा सकते हैं, यानी कि नए रूल में ये चीजें ऐड कर दी गई। NGO जो है एक तरीके से बोला गया
ऑपरेट करती है वहां पर एक तरीके से, जो एक तरीके से नहीं, चाहे कोई प्राइवेट हो, चाहे एक तरीके से प्राइवेट बैंक से या फिर नेशनलाइज एक तरीके से, तो यहां पर कोर बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो सिक्योरिटी एजेंसी एक्सेस कर सकती है। यानी कहीं पर भी कोई भी अगर एनजीओ ऑपरेट कर रही है तो हमारी कंट्री की जो एजेंसी है वो उनका जो बैंक अकाउंट वगैरह का जो चीजें हैं वो यहां पर उसको एक्सेस कर सकती है, ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये मुद्दा यहां से निकल कर आया, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं जो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। कुछ और बातें भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, जज हो गए, ये सारे जो लोग हैं बेसिकली या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो गए, उनको फंड रिसीव करने से प्रोबिट भी इसके अंदर किया जाता है कि आप लोग फंड रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है मुद्दा यहाँ पर। अब ये काफी दिनों से मुद्दा चल रहा था पंजाब के अंदर कि पंजाब के एडवोकेट जनरल है उनको रिमूव कर दिया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को तो रिमूव कराया गया सिद्धू साहब ने, अभी यहां पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने उनको बोलकर इनके द्वारा एडवोकेट जनरल को भी यहां से रिमूव करा दिया गया। तो ये तो पंजाब की पॉलिटिक्स हो गई, इसके बारे में तो कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा। पर लेकिन हाँ, अटोर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर पर होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट लेवल पर होता है। तो आर्टिकल 165 जो होता है वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो यहां पर चीफ लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया के अंदर यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बात करिएगा तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरीके से एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर होते हैं उसके इक्विवेलेंट इसकी क्वालिफिकेशन होती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर आर्टिकल 76 के तहत यहां पर बेसिकली इसको अपॉइंट करते हैं और वही उनको हटा सकते हैं, उन्हीं के हाथ में पावर होती है। तो यहां पर कोई भी पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, एक पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, चीफ लीगल एडवाइजर होता है कोर्ट के अंदर में, ठीक है, कोर्ट के अंदर में बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट की साइड से। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, यहाँ पर ये जज बनने के इक्विवेलेंट होती है। अटोर्नी जनरल ऑल कोर्ट में इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां पर भी हो, अगर गवर्नमेंट केस लड़ रही है तो ये रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट जब भी कोई उल्टी सीधी हरकतें करती है तो गाली खाने के लिए कौन जाता है, वो जाता है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट खूब लताड़ता है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी यूपीएससी के लिए जिन कैंडिडेट का लास्ट अटेम्प्ट था उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की बात की जा रही है, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो बातें की जाती है वो अटोर्नी जनरल से की जाती है। और अटोर्नी जनरल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे जब उनके द्वारा कमेंट किया गया कि यूपीएससी है ही क्या, इसको क्लियर करने के लिए तो एक महीने की पढ़ाई काफी है। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ है? तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई थी तो दिक्कतें हो गई थी काफी ज्यादा। तो इंडिया के अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर वो एक तरीके से एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन करते हैं एज ए बेसिकली यहाँ पर फंक्शन है परफॉर्म किया जाता है बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ये सारे फंक्शन जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो लॉ मिनिस्ट्री परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आती है। मोती लाल सी सतलवार जो थे ये पहले अटोर्नी जनरल थे इंडिया के, तो याद रखिएगा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया था आप लोगों से, ठीक है। फर्स्ट अटोर्नी जनरल और लॉन्गेस्ट टाइम तक रहे, लगभग 13 साल तक यहां पर रहे। सोलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी यहां पर रहते हैं। तो इसी के साथ में अगर स्टेट लेवल पर जाओगे, जो सारी बातें मैंने बताई है स्टेट लेवल पर, ये सारी बातें 165वें आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरा पॉलिटिकल टॉपिक मैंने आप लोगों का कवर करा है यहां पर, जिसमें अटोर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल दोनों के बारे में बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्मोक टावर के बारे में बेसिकली बात की जा रही है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर अभी उसी के ऊपर स्टडी की जा रही है। तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है कि 400 के करीब यहां पर और भी ज्यादा लेवल में यहां पर स्प्रिंकलिंग ड्राइवर बेसिकली देखने को मिलेंगे। आईआईटी बॉम्बे की टीम के द्वारा भी स्टडी किया गया स्मोक टावर के बारे में। तो ये स्मोक टावर क्या है, अभी दिल्ली में जब स्मोक टावर लगाया गया तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है, पोल्यूटेड एयर को अंदर लेता है और फिर फिल्टर्ड एयर को ये बेसिकली बाहर फेंकता है, ठीक है। तो ये स्मोक टावर बेसिकली यहां पर काम करता है। तो 40 बिग फैन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफी लार्ज स्केल पर ये रोल प्ले करता है, ठीक है। एक स्मोक टावर की जो कॉस्ट है लगभग 20 करोड़ आती है। तो 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर जो है एक सेकंड के अंदर यहां पर ये प्यूरिफाई करता है, ये माना जाता है। तो इसके चलते काफी ज्यादा इंपोर्टेंट था, न्यूज में भी था। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो अगर बात करें, स्मोक टावर जो एक डिवाइस है जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एनसीआर में यूज की जा रही है। बोला जा रहा है कि रिड्यूस कर देगी पार्टिकुलेट मैटर जो कि काफी इंपैक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर 50% तक एक एरिया में जहां पर इसको लगाया जाएगा। ये फिल्टर करती है, इंस्टॉल किया जाता है इसके अंदर नैनो फाइबर। तो नैनो फाइबर जो कंपोनेंट रहता है उससे इसको हेल्प यूज की जाती है, जिसके बेस पर इसको कंट्रोल करता है। स्मोक टावर जो है यहां पर रिड्यूस करता है पार्टिकुलेट मैटर जो मैंने बताया, और इसी के साथ में यहां पर रिड्यूस करेगा एयर पोल्यूशन जो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मोक टावर जो है यहां पर ये एक तरीके से लार्ज स्केल पर एयर को प्यूरिफाई करता है और यहां पर फिट किया जाता है विद मल्टीपल लेयर, ठीक है। तो इसके चलते चाइना में वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्मोक टावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लगभग 19% जो एरिया है अराउंड 6 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये रिड्यूस कर देता है यहां पर स्मोक टावर, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग क्राइटेरिया, कितने फैन लगा रखे हैं, क्या क्या चीजें, तो ये मुद्दे हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पर, केरला के द्वारा बोला गया है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि एक नया डैम बनना चाहिए मुल्ला पेरियार, ठीक है। तो यहाँ एट मुल्ला पेरियार एक नया डैम बनना चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये एक डैम ऑलरेडी है यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम, जो कि पेरियार रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। पेरियार क्या, बेसिकली मुंडा और पेरियार दो रिवर आकर मिलती है, तो वहां पर ये एक डैम बनाया गया। डैम जो है वो है केरला के अंदर में और इसको मैनेज करता है तमिलनाडु। रीजन क्या है ऐसा करने का, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया था कि 999 साल तक इसको तमिलनाडु मैनेज करेगा। तो तमिलनाडु चाहता है इसकी फुल कैपेसिटी में पानी भरा रहे, जो कि 142 है। केरला चाहता है कि इसमें पानी जो है 137 तक रहे, अगर कई बार 139 तक भी चला जाता है या फिर इससे ऊपर अगर जाना है तो क्या होता है, केरला में भी बाढ़ देखने को मिली थी, तो केरला बोलता है इससे हमको दिक्कतें होने लगती है, तो उसके चलते काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहता है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, कार्डोमन हिल है यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर में, जहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो कार्डोमन हिल वाले एरिया के बारे में याद की जा रही है, ये याद रखना। तो यहाँ पर तमिलनाडु इसको मैनेज करता है और ये उस टाइम पर जो स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश और त्रिवेंकोर थी यहाँ पर उनके बीच में डील साइन की गई थी 1886 में, जिसको अब तक फॉलो किया जा रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में रहता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें कोलोजियम सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली क्लियर किया गया ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट के जज टू द मेघालय, ठीक है। तो उसके चलते कोलोजियम सिस्टम यहां पर न्यूज में आ गया है। किसी भी जज को ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट करना है, तो हमारी कंट्री में कोलोजियम सिस्टम है। कोलोजियम सिस्टम क्या संविधान में मेंशन है? बिल्कुल मेंशन नहीं है संविधान में, बस ये मेंशन है कि आर्टिकल 124 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज और आर्टिकल 217 के तहत यानी कि 217 के तहत हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर कोलोजियम सिस्टम क्या है? कोलोजियम सिस्टम एक तरीके की प्रक्रिया के थ्रू यहां पर बनाया गया एक सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। इससे पहले यहां पर क्या होता था, नॉर्मल तरीके से जज को अपॉइंट करते थे, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रोल प्ले करते थे। फर्स्ट जज केस आया 1981 में, फिर यहां पर सेकंड जज केस आया, तो सेकंड जज केस आया 1993 में, तो इंट्रोड्यूस किया गया कोलोजियम सिस्टम। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यार आज की डेट में ना टोटल मिलाकर बेसिकली क्या करेंगे, यहां पर तीन मेंबर रहेंगे। तीन मेंबर मतलब एक तरीके से बोला गया था इसके अंदर में कि तीन मेंबर यहां पर काम करेंगे, यानी कि एक तरीके से यहां पर दो जज रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कैसे मैटर को लेकर चलना है। फिर आगे चले यहां पर तीन जज का केस आया 1998 में, तो यहां पर बोला गया तीन जज नहीं, टोटल मिलाकर पांच जज रहेंगे इसके अंदर में, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार सीनियर मोस्ट जज, वो डिसाइड करेंगे, तो पांच मेंबर की बॉडी है आज के डेट में। आर्टिकल 143 जो है बेसिकली ये बोलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर एक तरीके से एडवाइस भी देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो वो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात यहां पर की जाती है, तो मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो इसके बारे में याद रखिएगा, और डायरेक्ट कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहां पर एक मुद्दा जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है पद्म विभूषण या पद्म भूषण या फिर पद्मश्री अवार्ड के बारे में। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बेसिकली एक पीडीएफ शेयर की थी टेलीग्राम पर, उसको आप लोग जाकर देखना, उसके अंदर सारे अवार्ड जो थे मैंने बेसिकली आप लोगों को बताए हैं। अभी रिसेंटली 2020 के और 2021 के अवार्ड जो है वो एक साथ दिए गए हैं। रीजन क्या है? COVID-19 के चलते अवार्ड जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट यहां पर नहीं किए गए थे, तो जो वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो ये अवार्ड यहां पर अभी इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवार्ड जो होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर कि ये जो अवार्ड होते हैं 1954 से इनको स्टार्ट किया गया था, और स्टेटमेंट देकर कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। पद्म विभूषण सबसे हाई होता है इनमें, पद्म भूषण दूसरे नंबर पर, पद्मश्री तीसरे नंबर पर। ये जो पद्म अवार्ड होते हैं यहां पर, ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक कमिटी हेड की जाती है जो डिसाइड करती है किस किस को ये अवार्ड मिलने हैं, और फिर जो है वो इन अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहां पर पद्म विभूषण जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो उसी के चलते ये आर्टिकल न्यूज में आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर अभी एक लेजेंडरी सिंगर थे जिनका नाम था एस पी बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। तो पोस्टम्यूसली यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद में यहां पर इनको ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड यहां पर अभी दिया गया, ठीक है। तो एसपी जो है यहां पर ये जो इनके बेटे जो यहां पर जो ये अवार्ड यहां पर इनके द्वारा जो लिया जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर उनके फिर परिवार वाले इस अवार्ड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रखते हैं। भारत रत्न के बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, भारत रत्न मैक्सिमम तीन लोगों को अभी रिसेंटली अभी देखने को मिलता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिया गया। तो इसके चलते कई बार ऐसी स्टेटमेंट भी देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इनको लेकर नहीं होना चाहिए। माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो वो लिस्ट देख लेना टेलीग्राम पर, मैंने प्रोवाइड करा रखी है, कोई कंफ्यूजन उसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल साहब जो हैं वो यहां पर अलग अलग कंट्री के लीडर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर जो बेसिकली ये बेसिकली उज्बेकिस्तान के लीडर से यहां पर मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक बुलाई थी, और उसमें बोला था कि एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसमें हर कंट्री के आएंगे,
चाइना और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने तो साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं, वो तो अपने हिसाब से चाहता है तालिबान को डील करना। चाइना ने बोल दिया हमारे पास में टाइम नहीं है, हम लोग इसलिए नहीं आ पाएंगे। बाकी और सारी कंट्री आ रही है यहाँ पर इसके ऊपर बात करने के लिए, तो देखते हैं मुद्दा कैसे यहाँ पर निपट पाता है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बातें। बाकी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अभी हमारी कंट्री के जो नेवी के नए चीफ बन गए उनका नाम है हरी कुमार, तो हरी कुमार नेवी के नए चीफ बन गए। पहले जो चीफ थे यहाँ पर उनका नाम था करमबीर सिंह। ठीक है, तो करमबीर सिंह जो है वो आउटगोइंग चीफ हो गए और नए चीफ बने हैं यहाँ पर ये हरी कुमार। इवन यूपीएससी ने भी एक बार यहाँ पर आर्मी के चीफ के बारे में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, अगर आप लोगों ने पेपर उठाकर देखोगे पुराने, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी रहती है तो फिर आप लोग अच्छे से चीजों को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनको लेकर। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर चाइना जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट कर रही है वॉरशिप टू पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान ये डिप्लॉय करेगा इंडियन ओशन के अंदर में। तो देखिए अभी रिसेंटली कई सारी सबमरीन भी चाइना जो है पाकिस्तान को दे रहा है, तो पाकिस्तान को एक तरीके से एक अल्टरनेटिव खड़ा कर रहे हैं ताकि कल को इंडिया को कुछ बोलना हो तो यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू हमारी कंट्री के ऊपर झड़प क्रिएट की जा सके। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये इस तरीके से क्रिएट कर रहा है जैसे कि नॉर्थ कोरिया को यूज करता है यूएसए के खिलाफ, ऐसे ही पाकिस्तान को यूज करेगा इंडिया के खिलाफ। तो ऐसा पैटर्न यहाँ पर ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। हरकतें हैं पाकिस्तान की, क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में, पर लेकिन हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हरकतें चल रही हैं ये किस डायमेंशन से और किस डायरेक्शन से निकल कर आ रही हैं। तो इसके बारे में क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के लिए आ जाए इंटरव्यू के बारे में आप लोग देखने को मिले तो एक बैकग्राउंड आप लोगों को पता रहेगा कि क्या क्या है, तो आप लोग समझ पाएंगे। तो चाइना के द्वारा यहाँ पर अभी ये इसको यहाँ पर सौंपा जा रहा है वॉरशिप। ठीक है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, तो इंडिया के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है यहाँ पर, ये बोल सकते हैं आप लोग इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो मुद्दा है यहाँ पर, बहुत सारे जो लोग यहाँ पर जो माइग्रेंट थे एक एरिया से जो दूसरे एरिया में जाकर रहते हैं, तो बेलारूस और पोलैंड के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया है जिसके चलते दोनों की कंट्री के बीच में रस्सा-रस्सी हो गई, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर फंस गए। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ जो लोग यहाँ पर अभी फंस गए, ट्रैप हो गए, फ्रीज हो गए यहाँ पर बॉर्डर पर बेलारूस और पोलैंड के। ठीक है, तो बेलारूस और जो पोलैंड जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है बिटवीन बेलारूस और यूरोपियन यूनियन और पोलैंड, ये बेसिकली इसके बॉर्डर पर यहाँ पर भी फंस गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये बेसिकली लोकेशन आप लोग पहले देखिए, तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ से अगर आप लोग यूरोप के अंदर आएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये हो गया पोलैंड, थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोग देखिएगा तो ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पोलैंड हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसी के साथ में इसकी जो कैपिटल है वो है यहाँ पर वॉरसा, और ये हो गया यहाँ पर बेलारूस। ठीक है, तो मिन्स्क यहाँ पर इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे की बात की जा रही है, ऊपर बाल्टिक सी भी है और इधर आप लोगों को नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग बात करें तो ये है बेसिकली दोनों कंट्री का एरिया, तो यहाँ पर अभी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा है ताइवान के बारे में, तो चाइना और ताइवान के बीच में जो इश्यू चलता रहता है, तो उसके चलते आप लोग याद रखते हैं पहले ताइवान की लोकेशन आप लोग देख लीजिए, अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए हमेशा जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, तो मैप आप लोग को इसलिए दिखाता रहा हूं ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख पाए चीजों को। ठीक है, तो ताइवान हो गया, ताइपेई इसकी कैपिटल होगी, और यहाँ पर हांगकांग है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ये है साउथ चाइना सी। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो यह ईस्ट चाइना सी और यह है येलो सी। तो यहाँ पर बेसिकली ताइवान ये बोल रहे हैं कि चाइना कैपेबल है एयर सी ब्लॉक करने में आइलैंड को, यानी कि आइलैंड को ब्लॉक कर सकता है चाइना। ठीक है, चाइना जो है वो ताइवान को कंट्रोल करने के पूरे मूड में है, और ताइवान को एक तरीके से हमेशा बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें दो कंट्री एक एरिया पर, लेकिन कंट्री का नाम एक ही रहेगा यहाँ पर, ये बेसिकली बोलता है। ठीक है, तो ये मुद्दा रहता है जिसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहां पर अगर बात करें तो आप लोगों के सामने बेसिकली एक क्वेश्चन, अरे हाँ एक क्वेश्चन भी तो था आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था बेसिकली, हालांकि बात करें तो यहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं है राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन अब की बारी आप लोगों से पूछा गया, पहले भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, तो यहां पर एंड पर्सनल लिबर्टी, तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तरीके से करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाइज द अबोव स्टेटमेंट। तो बोला जा रहा है कि आर्टिकल 14 और इसी के साथ में प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 17 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम एंड गारंटी इन द पार्ट 3, इसी के साथ में आर्टिकल 24 एंड द 44th अमेंडमेंट। तो सही आंसर क्या है आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, कल इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से इसके आंसर दिए गए, तो अश्वनी यादव के द्वारा काफी अच्छे से आंसर यहां पर दिए गए। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से बेसिकली क्वेश्चन मैंने पूछा था, यूएई में देखने को मिल रहा है यहां पर जो 2020 का जो बेसिकली ये अभी जो आप लोगों का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है,
तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, नेक्स्ट वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन केसी नगोई, 13th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर विजय केलकर, 15th एनके सिंह थे। यहां पर 101वां संविधान में संशोधन किया गया था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। पोषण माह सितंबर, इसी के साथ में इंडियन आर्मी का जो हाईएस्ट अवार्ड है वह पदम, यह है यहां पर परमवीर, ठीक है। तो परमवीर चक्र, फिर महावीर, फिर वीर चक्र, तो याद रखिएगा। और मिक्स्ड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, बेसिकली पहले आर्टिकल और इस आर्टिकल में दोनों को मिलाकर अगर बात करूं पहले जो डिस्कशन में, ठीक है, जो कि वीडियो टर्मिनेट हो गई थी। सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी थी मैंने आप लोगों से, एक क्वेश्चन भी पूछा, एक कार्टून मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ओवरव्यू दिया था, पुलिस रिफॉर्म के बारे में बेसिकली बात की थी थोड़ी सी, एक किताब के बारे में बात की थी शशि थरूर की। इसी के साथ में इंडिया और पाकिस्तान का फिशरमैन इशू और मैप बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन है, सर क्रिक क्या है, वो सब बातें जानी। इसी के साथ में कुछ और लोकेशन और पूरा मुद्दा डिस्कस किया, ठीक है। इसी के साथ में वैक्सीनेशन के बारे में बात की थी, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, काफी डिटेल में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की केरला के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है, तो उसको काफी डिटेल में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ये बेसिकली हम लोगों ने देखा कि क्या क्या मुद्दे यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने समझा FCRA के बारे में, डिटेल में जाना इसके बारे में। इसी के साथ में अटोर्नी जनरल के बारे में समझा, स्मोक टावर के बारे में हम लोगों ने जाना, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, मैप भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्या चीजें सारी देखी। इसी के साथ में कोलोजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। पदम अवार्ड के बारे में PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए, और आंसर राइटिंग भी वहां पर जाकर आप लोग लिखना, आप लोगों को मिल जाती है सारी चीजें, ठीक है। और क्वेश्चन के आंसर का जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा उसका आंसर आप लोग जरूर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जो मैंने आप लोगों को दिया 2018 में पूछा गया यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देखता हूं कौन-कौन सही आंसर यहां पर देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो सेकंड वीडियो जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।